एलएस टेक्नोलॉजी एजुकेशन चैनल में आपका बेहद स्वागत है। और चलिए आज हम बात करेंगे कि 3ds Max में एडिट पॉली कमांड जो है काफी इंटरेस्टिंग है और काफी यूजफुल है। इसके बगैर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट तो होता है लेकिन उसको अगर हमने कुछ उसके अंदर एडिटिंग करनी है तो एडिट पॉली के बगैर वो हम काम नहीं कर सकते 3ds Max में। ठीक है, तो चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कैसे हम ठीक है वो कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट आप हाइट और विड्थ इसकी यहाँ से कर सकते हैं जितनी भी आप चाहें। यहाँ से देखिए मैंने सेगमेंट जो है ले रखे है, पहले सेगमेंट आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए मैं आपको एक बार शुरू से बताता हूँ कि सेगमेंट को कैसे लिया जाता है। जैसे आप देखिए बिल्कुल एक बॉक्स है मेरा बिल्कुल क्लियर, आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा। अगर आपने एज फेस ओपन किया तो आपको ये दिखाएगा, अगर आपका ये एज फेस अगर ऑफ है ठीक है तब आपको जो है जो हमारे सेगमेंट की जो लाइन है वो शो नहीं होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। अगर आपके जो पीसी है आप उसमें काम कर रहे हैं मैक्स में, अगर आप यहाँ से इसकी जो काउंटिंग है जो कम या ज्यादा कर रहे हैं लाइन का जो, ठीक है, अगर आपको शो नहीं हो रही जैसे अभी यहाँ शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आपकी शो नहीं होती ऐसा करने पर तो आप पहले आप यहाँ से एज फेस जरूर करें या F4 बटन दबा दें, आपकी शो हो जाएगी। देखिए जैसे मैं F4 बटन दबाता हूँ ऑफ हो गई, ऑन हो गई। ठीक है, अगर आपको ऐसा मिल रहा है आपको ये करने के बाद भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो F4 बटन प्रेस करें आपकी जो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं अब इनको राइट क्लिक करके डीएक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए कि इनके ऊपर मैं कौन कौन सी जो है कमांड्स लगा सकता हूँ, एडिट पॉली कमांड क्या है, उसको मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए एडिट पॉली कमांड के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं मॉडिफाई सेक्शन में। जैसे मॉडिफाई सेक्शन पर क्लिक करते हैं या फिर मॉडिफाई में लिस्ट में हम जाएंगे एडिट पॉली ई दबाएंगे तो एडिट मैच, यहाँ पे देखिए हमारी जो एडिट पॉली कमांड यहाँ से हम लिस्ट में एडिट पॉली। तो देखिए दोस्तों जैसे हम एडिट पॉली कमांड को यूज करना चाहते हैं लेते हैं यहाँ पे एडिट पॉली, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिए ये जो है सिलेक्शन टूल आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा वर्टेक्स टूल, सेकेंड है एज टूल, थर्ड है बॉर्डर टूल, फोर्थ है पॉलीगॉन टूल और फिफ्थ है हमारा एलिमेंट टूल। इनका यूज क्या है, कैसे कैसे इनको यूज करते हैं। फर्स्ट है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट है इनको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ वर्टेक्स, यहाँ पे अभी देखिए कुछ नहीं है लेकिन जैसे वर्टेक्स सिलेक्ट किया यहाँ पे ब्लू डॉट आप अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू डॉट दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्टेक्स पॉइंट है, इनको पकड़ के हम इसको ड्रैग करके अप या डाउन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसको पकड़ा इसको यहाँ से, ठीक है, तो इसको वर्टेक्स पॉइंट को आप एक से ज्यादा वर्टेक्स पॉइंट ले सकते हैं। वो कैसे लेते हैं, आप कंट्रोल लीजिए यहाँ दबाइए, एक बटन दबाइए कंट्रोल के साथ, दूसरा सेलेक्ट कीजिए, तीसरा कीजिए, चौथा सेलेक्ट कीजिए, जितने भी आप वर्टेक्स पॉइंट आप लेना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से काफी सारे पॉइंट सेलेक्ट कर दिए, जो आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं वो वर्टेक्स पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब आप इसको किस एक्सिस पे लेके जाना चाहते हैं, आप यहाँ से जो येलो जो रेक्टेंगल है इस पे भी ड्रॉ करके इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो ऑलराउंडर है 360 डिग्री काम करेगा, लेकिन जो हमारा ये है एरो रेड एक्सिस ग्रीन और ब्लू एक्सिस, आप इनको प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाएगा ना कि दूसरे डायरेक्शन में, और जो येलो जो रेक्टेंगल उसको पकड़ के आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं किसी भी साइड में। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो है वर्टेक्स। ठीक है, चलिए मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ इनसे। ठीक है, तो चलिए अगला है टूल, अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे, ये देखिए अभी है, इसको आप क्लोज कर दीजिए तो ऑटोमेटिक वर्टेक्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। जो अगला हमारा टूल है वो है एज पॉइंट। अब एज पॉइंट जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिए एज एक्टिव हो जाएंगे किसी जहां से भी हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसका एज एक्टिव हो गया, मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा ऊपर की तरफ ले जा सकता हूँ। ठीक है, इसके साथ जो भी अटैच होगा सेगमेंट वो वहां से उसके एज को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, चलिए मैं आपको और बताता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ से इस एज को लेता हूँ, ये कनेक्टेड है हमारा इस लाइन से और इस लाइन से, तो यहाँ से क्या करेगा ये देखिए उन्हीं लाइनों से ये ऊपर की तरफ मूव होगा, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वो लाइन आपस में कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो हमारा सेकेंड पॉइंट है एज पॉइंट उसको यूज कर सकते हैं। एज पॉइंट का एक यूज और भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई टेपर एंगल देनी है, चलिए मैं यहाँ से इसको एक बार बंद कर देता हूँ।
मैं बताता हूँ आपको जो एज पॉइंट इसका क्या काम है, ठीक है। मैं जो वर्टेक्स पॉइंट है वापिस चलते हैं, यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। वर्टेक्स पे हमारा बॉक्स पे चलते हैं, ठीक है। और इसके सेगमेंट में बिल्कुल ये कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, एक और एक, ठीक है। यहाँ से हमारे सेगमेंट कंप्लीट, एक एक। अब देखिए जो एडिट पॉली कमांड है उसका यूज यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। जो एडिट पॉली में ये एज, ये क्या करता है, आपने इस एज को सिलेक्ट किया तो आप इस एज को देखिए ऐसे पेपर जो है इस एंगल पे आप एज के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्लोप वगैरह बनाना है, ऐसा ढलान वगैरह टाइप कोई ड्रॉ करनी, तो आप इस शेप के थ्रू जो हमारा है एज टूल है इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ से बॉक्स पे मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इसके सेगमेंट ज्यादा कर देता हूँ। ठीक है, और पांच, ठीक है। ये मैंने सेगमेंट बना दिया। अब वापिस चलते हैं एडिट पॉली के ऊपर। थर्ड जो हमारा टूल है वो है बॉर्डर टूल, ठीक है। बॉर्डर टूल से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा पॉलीगन टूल है ये कहाँ काम करता है। पॉलीगन टूल हम इनको हर एक जो हमारा सेगमेंट है पॉलीगन टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हर एक सेगमेंट को अलग से सिलेक्ट करता है। यहाँ से देखिए मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट, इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, देखिए यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ये है हमारा पॉलीगन, और इसको आप मल्टीपल वे आप चूज कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल दबाइए यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने लिया, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लीजिए, देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है हमारा पॉलीगन टूल को यूज कर सकते हैं एडिट पॉली के अंदर, किसी भी सेगमेंट को आप एडिट अगर करना चाहते हैं तो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहीं से कि देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। देखिए अब यहाँ से पकड़ के मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूँ यहाँ से, लेकिन ये क्या करता है एक सेगमेंट को कैच कर लेता है, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर की तरफ कैसे लेके जाऊँ, ठीक है, ऊपर की तरफ मैं कैसे लेके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से अब हम इस टूल का यूज करेंगे जो है बॉर्डर टूल। बॉर्डर टूल को जैसे हम लेंगे वो यहाँ से इसको सिलेक्ट करते बॉर्डर को लेगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको देखिए अब इस बॉर्डर टूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसको ऊपर नीचे कर नहीं कर सकते विदाउट बॉर्डर टूल के। अगर हमसे कोई भी एक जो सेगमेंट मैंने डिलीट की थी उसके बाद एक कंप्लीट बॉर्डर को कैच कर लेता है और ऊपर नीचे हम इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा बॉर्डर टूल, ठीक है। चलो मैं इसको यहीं रख देता हूँ थोड़ा सा नीचे। अब देखते हैं अगला टूल जो हमारा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा होगा कि बॉर्डर टूल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीट ऑब्जेक्ट है उसको हम उसमें से कुछ एरिया हमने अगर रिमूव कर दिया डिलीट कर दिया है तब हम बॉर्डर टूल का यूज करके उसको पिक कर सकते हैं उस एरिया को, ठीक है। जो अगला टूल हमारा है वो एलिमेंट टूल, और एलिमेंट टूल से हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, देखिए, ठीक है। एलिमेंट टूल कई तरीकों से आप काम कर सकते हैं एलिमेंट टूल का। जैसे हमने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट, एक सारे ऑब्जेक्ट है लेकिन उनका कलर कोडिंग अलग अलग देनी, तब आप इनको इस एलिमेंट टूल का यूज कर सकते हैं। वो मैं आगे किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं। जैसे मान लो किसी बॉक्स में हजारों बॉल है और हजारों बॉल का कलर हमें अलग अलग देना है, ठीक है, तब भी हम एलिमेंट टूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कृपया आप हमारे जो चैनल है एलएस टेक्नोलॉजी एजुकेशन इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा जो वीडियो है उसको अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको कुछ जानकारी कुछ आपको समझ ना आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है दोस्तों।